नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और अब रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रामपुर से, जहां पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा। आपको बता दें, पुलिस ने 3 युवकों से 25 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने शक के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगातार तेजी से अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में नशा तस्करों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। पुलिस ने इसी कड़ी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रामपुर पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें, पुलिस ने शक के आधार पर युवकों की तलाशी ली। इस दौरान तीनों युवकों से 25 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा का कहना है कि कुछ ही समय के अंदर मादक द्रव्य निषेध अधिनियम के तहत रामपुर में 12 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 दिन पहले निरथ के पास 132 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चीफ एडिटर सौरभ राठौर ने बातचीत की रामपुर के डीएसपी अभिमन्यु वर्मा से। अभिमन्यु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने नशा तस्करों की गिरफ्तारी कैसे की है? आज सुबह उप निरीक्षक गंगादेव नेगी, जो प्रभारी हैं शहरी चौकी के, उनके नेतृत्व में एक नाका लगा था NH-05 पर सिंगला के पास। तो वहीं पर एक स्कॉर्पियो को जब चेक किया गया तो उसमें से कुछ 3 लड़के मिले जो कुछ घबराए हुए थे। जी अभिमन्यु जी, उसी समय मुझे भी कॉल किया गया उनकी चौकी परिवार की तरफ से, और मैंने जो MC के प्रधान है मीना देवी जी और महिला मंडल द कोलर की प्रधान को कॉल किया। वो भी मौके पर पहुंचे, तो जब उनकी तलाशी दी गई सबके सामने, तो उसमें से 3 लड़कों के पास, एक के पास 10 ग्राम, एक के पास 9 ग्राम और एक के पास 6 ग्राम जो चिट्टा है ये मिला है। इनके पास सर कुछ इंजेक्शन वगैरह भी बरामद हुए हैं? नहीं, एक के पास फॉइल जो यूज करते हैं चीटा पीने के लिए वो मिली थी। तो सर क्या कहते हैं, जो काफी हम काफी टाइम से देख सकते हैं पीछे, जैसे भी कुछ चिट्टा तस्कर जो है रामपुर से बरामद किए गए थे, उसके अलावा नारकंडा में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है, तो सर इसका कुछ अनुमान लगा है कि ये तस्करी के लिए जो सामान चिट्टा लेकर आते हैं कहाँ से लेकर आते हैं? जो अभी तक के आरंभिक पूछताछ में है, पिछले जो चिट्टा के जो आरोपी थे उनसे कुछ तो लोकल खरीद रहे थे और कुछ दिल्ली से कनेक्शन है, और ये जो आज पकड़े हैं इनका प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्होंने चंडीगढ़ से लाया। तो जो इसके जो तार है वो बॉर्डर एरिया से है, तो इसको बिल्कुल इसकी जो बाहर क्या रहा है, तो सर इसकी रोकथाम के लिए जो है किस तरह की कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो नशे में चंगुल में बच्चे हैं उनको बचाया जा सके, और माता पिता को भी अवेयर किया जा रहा है, अभिभावकों को, जितने भी पाठशालाओं में और कॉलेजों में भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। इसके साथ जो पकड़ने का कार्यक्रम है वो भी साथ में चल रहा है। तो ये तो थे हमारे चीफ एडिटर सौरभ राठौर, जिन्होंने बातचीत की रामपुर के DSP अभिमन्यु वर्मा से। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ अपनी इस कार्रवाई को जारी रखेगी। टीवी 24 के लिए रामपुर से सौरभ राठौर की रिपोर्ट। तो ये तो थी इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन टीवी 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।